आज हम आप लोगों को शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है 19 जुलाई तक, और लेट फाइन के साथ यानी दुगुना शुल्क के साथ आप 22 तक भी पेमेंट कर सकते हैं। आइए विस्तार से पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अभी तक यानी 15 जून के शाम तक आवेदन जो है 8,18,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, और जो यह तिथि बढ़ाई गई है ऑनलाइन आवेदन करने का, उसमें मेन रीज़न बताया गया कि पंजीयन करने वाले और फॉर्म भरने वाले की संख्या में काफ़ी अंतर था। इसको लेकर आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई। देखिए इसमें दिया गया है 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर 15 जुलाई से बढ़ाकर 19 जुलाई कर दी गई है। इस संबंध में बीपीएससी ने शनिवार को सूचना जारी की है। 15 जून से आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले अंतिम तिथि 12 जुलाई थी, उसके बाद बढ़ाकर 15 जुलाई किया गया। उसके बाद आयोग ने 22 जुलाई तक 19 जुलाई तक आवेदन करना है और 22 जुलाई तक पेमेंट करना है। दुगुने शुल्क के साथ वह ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि शनिवार शाम तक 8,18,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें फाइनल आवेदन 7,55,000 अभ्यर्थियों ने किया है। सबसे अधिक कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पद के लिए लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें 6.59 यानी 6,59,000 आवेदन हो चुके हैं। बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। बीपीएससी में आयोजित होने वाली अलग अलग परीक्षाओं के लिए अब अभ्यर्थियों को एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। कंडीशन है कि अगर 6 लाख तक अभ्यर्थी मिलते हैं तो एक पाली में एग्जाम होगा, अगर 6 लाख से अधिक मिलते हैं तो 2 पाली में एग्जाम होगा। देखिए दिया गया है 6 लाख से कम आवेदन होने पर एक पाली में परीक्षा लेने का प्रावधान है, लेकिन अब आवेदकों की संख्या अधिक हो गई है, अतः 2 पाली में एग्जाम होगा। 1 से 5, 9 से 10, 11 एवं 12 शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट रिजर्व होगी। पंचायत और नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा प्रबंधन नहीं है। पद कितने हैं और आवेदन कितने हो चुके हैं? कक्षा 1 से 5 में 79,943 पद है, जिसके एवज में 6,59,000 आवेदन हो चुके हैं। क्लास 9-10 के शिक्षकों के लिए 32,916 पद है और 60,000 आवेदन हो चुके हैं। कक्षा 11-12 के लिए 57,602 पद है और मात्र 36,000 आवेदन आए हैं। किस वर्ग के लिए अर्हता क्या होता है? प्राथमिक के लिए इंटरमीडिएट, CTET या TET, BEd या DLED। माध्यमिक के लिए स्नातक, STET वो BEd होता है, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर, STET वो BEd होता है, जो न्यूनतम क्राइटेरिया है, न्यूनतम योग्यता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।